वे मेरी कहानी थी जिसको जग सुनता रहा। ये दर्द तुम्हारा है जिसको मन चुनता रहा। कह दो सब खुशियों से घर जाओ मेरे यारों, मैं कविता तुम्हारी हूँ तुम गाओ मेरे यारों। बुझती हुई सांसों को सुलगाओ मेरे यारों। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल पर, अपने पेज पर। दोस्तों, इस समय मैं आज यहाँ पे आपके सामने उपस्थित हूँ आपका आभार प्रकट करने के लिए कि आपने अपार स्नेह देकर हमारे चैनल और हमारे फेसबुक पेज को इतना, हम लोगों को इतना गर्वान्वित कर दिया है कि आज मेरे पास शब्द नहीं है। और आपने डैडी को फिर से अपने स्नेह से भरपूर कर दिया है कि वो दोबारा से एक प्यार का नगमा है से ऊपर एक गीत लिख दें। दोस्तों, मुझे ये कहते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि संतोष आनंद जी मेरे पिता हैं। और अभी जब उनका जन्मदिन था तो देश से क्या दुनिया भर से लोगों का जो अपार स्नेह सामने आया, उसके लिए धन्यवाद के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। दोस्तों, ये आपका ही प्यार है जो डैडी दोबारा से काम करने लगे हैं और दोबारा से उनमें ऊर्जा आ रही है कि मैं कुछ नया कर सकूं। लेकिन मुझे आप सबसे एक बात यहाँ पर कहनी है कि दोस्तों, हर वीडियो में हम डैडी को बैठा के हम परेशान नहीं कर सकते। जितने भी हम कोशिश ये करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के माध्यम से डैडी आपके सामने आए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनका मन नहीं होता है वीडियो बनाने का। तो कुछ ऐसे संस्मरण हैं जो हम लोग आप तक पहुंचाएंगे, जितने संस्मरण हमको पता है वो आप तक हम लोग पहुंचाएंगे। और आप हमारा साथ दीजिएगा, क्या हम आपके आपके सामने क्या आपको उनके संस्मरण हमसे सुनने पसंद है, तो आप अपने कमेंट लिख के हमें ज़रूर बताइएगा। क्योंकि देखिए, संतोष आनंद जी ने अपनी शर्तों पर अपना एक मुकाम बनाया है, तो जाहिर सी बात है वो आज भी वही हैं, उनको अपनी शर्तों पर ही काम करना है। आप सब मेरे साथ ये दुआ कीजिए कि जल्दी एक नया गीत आपके सामने आए, जिसके लिए हम लोग मेहनत में लग चुके हैं। हम लोग डैडी के साथ बैठते हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और हम जल्दी, ईश्वर अगर चाहेगा तो गीत आपके सामने ज़रूर आएगा, म्यूज़िक के साथ आएगा और डैडी की तरन्नुम के ही साथ आएगा। तो दोस्तों, अब आपको हमारा साथ देना है, हमारे मनोबल को बढ़ाना है। और एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगी, मैंने ये देखा है 24 घंटे जो हमारे ऑफिशियल पेज का नंबर है, हमारे चैनल का जो नंबर है, हमारे सारे ही मित्र उस पर कॉल करते हैं, उसमें मैसेज करते हैं। लेकिन आप सबसे मुझे एक बात कहनी है, आप इसको बिल्कुल अन्यथा नहीं लीजिएगा। आप लोग वो मैसेज उस पर कीजिए जिस, क्योंकि ये सारे मैसेज हम लोग संतोष आनंद जी को दिखाते हैं, हम लोग अपने डैडी को दिखाते हैं, ये सारे मैसेज उनके सामने जाते हैं। तो दोस्तों, जो काम का मैसेज होता है जिसमें आपको कुछ उनको संदेश पहुंचाना है, संतोष आनंद जी को अपना संदेश पहुंचाना है, आप कृपा करके वही मैसेज व्हाट्सएप पे कीजिए। क्योंकि भरपूर हेलो हाय नमस्ते इस तरीके के मैसेज होते हैं जिनको दिखाने के जो दिखाए जाते हैं, और जो असलियत में जो दिखाने होते हैं मैसेज, वो संतोष जी तक पहुंच ही नहीं पाते। उन तक पहुंचते पहुंचते संतोष आनंद जी थक जाते हैं। तो दोस्तों, ये आपका स्नेह है, आपका प्यार है जो आप डैडी को इतना प्यार करते हैं, और ये हमारे लिए गर्व की बात है। और मैं तो गर्व से, मेरे पास तो शब्द नहीं है। आप लोगों ने हमारी मेहनत को पूरा पूरा साकार किया है, मेरे पास शब्द नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगी, 5 मार्च को डैडी का बर्थडे था, जन्मदिवस जो उनका था वो 5 मार्च को था। लेकिन जिस दिन वो पैदा हुए थे उस दिन जो लकीली होली का दिन था, और वो भी रंग वाली होली थी उस दिन, तो डैडी जो हैं 5 मार्च को, डॉक्यूमेंटल जो है उनका जो डेट है वो 5 मार्च है, लेकिन देश ने क्या, विदेश ने भी 5 मार्च को इस तरीके से सेलिब्रेट किया कि इस तरीके से उनका जन्मदिन मना दिया कि वो खुद ही कह रहे थे कि दुनिया भर से मेरे लिए, इतना सुबह से शाम तक उन्होंने फ़ोन पे लोगों से बात की और उन्होंने खुद ही बोला कि आज मुझे लग रहा है, मैंने कभी भी 5 मार्च का जन्मदिन नहीं मनाया, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि 5 मार्च को ही मेरा जन्मदिन है। वैसे दोस्तों, डैडी रंग वाले दिन पैदा हुए थे, जब उनका जन्म हुआ था तो उस दिन 5 मार्च के दिन की धुलैंडी थी, यानी रंग कलर वाली होली थी। तो एक संस्मरण तो ये हो गया। और चलते चलते मैं अब आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि हम जल्द ही किस्से बॉलीवुड के लेके आएंगे, जिसमें कभी कभी डैडी वो किस्से सुनाएंगे और कभी कभी जितने किस्से हैं मैं आपको सुनाऊंगी। क्योंकि फिर मैं अपनी बात को रिपीट कर रही हूँ कि हर वीडियो में उनकी एक उम्र है, हम उनको ज़्यादा परेशान नहीं कर सकते हैं,
हम जितना कोशिश करते हैं उनको आपके साथ जोड़ने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि मेरी बात कराइए, आनंद साहब से मेरी बात कराइए, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सुबह से शाम तक हजारों फोन आते हैं, और इसीलिए कुछ ना कुछ ईश्वर चाहेगा तो कोई ना कोई पब्लिक मीटिंग भी हम लोग अरेंज करेंगे। आप सब लोग दुआ कीजिए संतोष आनंद जी दीर्घायु हों, और इसी तरीके से अमर गीत की रचना, अमर गीतों की रचना वो करते रहें, और आके हमें वो संस्मरण बताएं जिनसे कुछ ना कुछ, क्योंकि वो अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत हैं, और इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक ही ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे कि संतोष आनंद जी को यानी मेरे डैडी को एक अच्छा स्वस्थ और एक अच्छी ज़िंदगी प्रदान करें, क्योंकि पीछे हमारे परिवार ने बहुत बड़ा सेटबैक झेला हुआ है, वो सब आपको पता भी है। तो अब दुआ कीजिए कि परिवार में, परिवार जो है ज़िंदगी एक अच्छी जिए, आप सब एक हमारा परिवार बन चुके हैं, एक हमारी ऑनलाइन फैमिली है, हमारी चैनल की फैमिली है, हमारी फेसबुक फैमिली है, हमारी इंस्टाग्राम की फैमिली है। आप सब लोगों को अगर वीडियोस अच्छे लगे तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि हम किस तरीके के वीडियोज़ आपके सामने लेके आए। और चलते चलते एक गीत डैडी का हो जाए, दो लाइनें हो जाएं चलते चलते, क्योंकि जहाँ पे आनंद साहब की बात हो, जहाँ पे डैडी की बात हो, वहाँ पर गीत ना हो तो मज़ा नहीं आता है। आप सबने संगीत फिल्म देखा की होगी, उसमें बहुत अच्छे गीत थे, और कुछ मुझे डैडी बताते हैं कि उन्होंने बड़े मन से वो गाने लिखे थे, जिसमें से एक गीत तो बहुत ही फेमस गीत हुआ था, जिस आज तक भी एक नहीं है, उसके दो चार गीत बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, जिसमें से ओ रब्बा कोई तो बताए प्यार होता है क्या, और जो गीत नहीं जन्मा वो गीत बनाएंगे, तेरे प्यार का सुर लेकर संगीत बनाएंगे, वो तो डैडी को बहुत ही प्यारा गीत लगता है, और वो जब गाते हैं तो उनकी तरन्नुम और उनकी धुन बिल्कुल अलग होती है। उसी गीत में एक अंतरा है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जो सच्चाई भी है जीवन की, जो सच्चाई है अगर हम उसे ढंग से सुने और उसको हम फॉलो करें तो वो सच्चाई है। जीवन में ऐसा होता है, कोई सुख भी नहीं अपना, कोई दुख भी नहीं अपना, कोई सुख भी नहीं अपना, कोई दुख भी नहीं अपना, दुनिया जिसे कहते है सुंदर एक सपना, हर ख्वाब को भी अपने नगमों से सजाएंगे, तेरे प्यार का सुर लेकर संगीत बनाएंगे, जो गीत नहीं जन्मा वो गीत बनाएंगे, जो गीत नहीं जन्मा वो गीत बनाएंगे। तो ये इतना मधुर और इतना प्यारा गीत है, और आप कहेंगे तो मैं गाने आपके सामने गा के आपको सुनाती रहूँगी। आप लोगों को ही मेरा मनोबल बढ़ाना है, हमारे पूरे परिवार का मनोबल बढ़ाना है। हम संतोष आनंद जी जितना तो अच्छा नहीं गा सकते, लेकिन हाँ जितने संस्मरण और जितनी यादें हमको पता है वो हम सब आपके साथ साझा करेंगे, कभी कभी डैडी खुद साझा करेंगे। और इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए, मोहब्बत बनाए रखिए चैनल के साथ, और चलते चलते एक बार ज़रूर कहना चाहेंगे, आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर, दिल की दुनिया बसाएंगे हम, गम की दुनिया का दर छोड़ कर, जीने मरने की किसको पड़ी, प्यार कर ले ओ प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, हो जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार।